आज हम लोग बात करेंगे बिपिन जी से। आज हर्षवर्धन है ये और आप बिपिन जी हैं। बिपिन जी, हर्षवर्धन को क्या प्रॉब्लम थी और कब से प्रॉब्लम थी ये? सर, इनको प्रॉब्लम बचपन से ही थी और ये पूरा पैर ऐसे पंजे के बल, मतलब पूरे एड़ी पे नहीं रखती थी, ये पंजे पे चलते थे, दोनों पैर ऐसे रख के इसी पे बैलेंस बना लिए, ऐसे ही चलना करते थे ये। मतलब ये हील टच नहीं करते थे जमीन में? तो इसके बाद बिपिन जी, क्या इनका अभी बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा, बोटुलिनियम टॉक्सिन का इंजेक्शन 28/9/2021 को कहाँ पे लगवाया आपने? सर, चेन्नई अपोलो। चेन्नई अपोलो में लगवाया। उसके बाद से हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी चल रही है। यस सर। जिसमें कि 5/10/2021 से 14/10/2021 तक हम लोगों ने 14 सेशन किए, जिसमें कि सुबह शाम कई सेशन रहा, बिकॉज आप कहीं बाहर से बच्चा आया हुआ है ना? जी, आजमगढ़ से आए हुए हैं। ओवरऑल यदि बात करें तो 20 सेशन अभी तक इनका हो चुका है। yes, तो 20 सेशन में कैसा इम्प्रूवमेंट है हर्ष में? सर, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। जो बच्चा पंजे पे चलता था, आज वो प्रॉपर पैर रख के पूरी अच्छे तरीके से चल रहा है। इवन स्टेयर चढ़ने होते हैं, उसको पूरा चढ़ जाता है। और भी कोई एक्सरसाइज होती है वो कर लेता है। कुछ भी बोलो, जंप करने को होता है जंप कर लेता मतलब है। जंप भी कर लेते हैं ये। जी जी जी। और इसके अलावा यदि मैं बोलूं घर पे कितनी बार एक्सरसाइज कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। yes, तो मैं जस्ट एक फीडबैक के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी एक्टिविटी है, किस तरह से एक्सरसाइज करें कि रिजल्ट और अच्छा है। तो ये फिजियोथेरेपी जो दो बार हमारे यहाँ हुई सुबह शाम, वो तो हुई है जी। इसके अलावा घर पे कितनी बार इनकी एक्सरसाइज होती है? घर पे इनकी मम्मा एक बार कराती है, फिर हम दो इनको रात में एक बार हम कराते हैं। तो ओवरऑल यदि बात करें तो दिन भर में 4 बार एक्सरसाइज इनकी हर्ष की होती है। और हर्ष बहुत ही एनर्जेटिक बच्चा है और बहुत ही मेहनती है। तो ये जो बोटुलिनियम टॉक्सिन का इंजेक्शन जो लगा, वो इनके हेमेस्टिंग और गैस्ट्रोनिमियस में लगा है और 28/9/2021 को लगा है और 5/10/2021 से हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई है। तो आप हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी जो हो रही है उससे सेटिस्फाइड हैं? सर, पूरी तरीके से 100% सेटिस्फाइड है और इम्प्रूवमेंट अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा है सर। अच्छा सर, ये बताइए कि इस वीडियो को हम लोग अपने YouTube पे या और अवेयरनेस के लिए, बिकॉज बच्चों के केस में सर ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसको इससे होगा कि एक बच्चे से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इंस्पायर होते हैं कि हमारा बच्चा है ऐसे चलता है, प्रॉब्लम होती, कुछ लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं कि कहेंगे अरे ऐसे चल रहा है। तो इसके बाद ऐसा हो जाता है कि सर
कुछ लोग तो कहेंगे कि नहीं ये बच्चा सही चल रहा है तो हमें भी बच्चे को कराना ही चाहिए। काफी इम्प्रूवमेंट, मतलब इसको हम लोग अपने यूट्यूब पे या अपने सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा करके अवेयरनेस के लिए एजुकेशनल वीडियो के तौर पे डाल सकते हैं, आप इसका कंसर्न देते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू विपिन।